अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 29 मई 2019, और आज हम बस ब्रीफली दो न्यूज़ हैं जो जिस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि कुछ चीज़ें आपको एक ब्रॉडर आइडिया भी हो जाए। तो प्रेजिडेंट ऑर्डर्स ऑडिट ऑफ AGP। AGP बेसिकली है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम है कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं डायरेक्टली और ऑटोनोमस बॉडीज, उन सब का ऑडिट करें। लेकिन जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है, उनका ऑडिट कौन करता है? तो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ने जो है ना कंट्री की हिस्ट्री में ऑर्डर किया है कि ऑडिट हो ऑडिटर जनरल का, कि वो किस तरीके से एक्सपेंडिचर को बेसिकली, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में इनकम तो आपके और मेरे टैक्सेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो फिर वो पैसा जो है ना ईमानदारी से स्पेंड होना चाहिए। और हम बहुत कुछ सुनते हैं कि जो है काफ़ी करप्शन हुई है, तो अगर ऑडिटर जनरल ही अपना काम सही करे, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि जो खर्चे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं उन पर जो है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी देते हैं, अगर यही अपना काम सही करें तो फिर आगे लोकल एंटी करप्शन के इदारे और जो नेशनल लेवल पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसकी जो है ना उस पर प्रेशर भी कम होगा और उस तक केसेस भी नहीं जाएंगे, अगर बेसिक ऑडिटर जनरल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो खर्चे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं उनको बेसिकली अप्रूव करते हैं तो वो खर्चे पॉसिबल होते हैं। यानी गवर्नमेंट का सिस्टम है कि खर्चे करते वक्त ही इजाज़त जो है ना ली जाती है, और उसके अलावा फिर सालाना भी ये चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट के अंदर जो तरीक़ेकार है उसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, तो उस डिपार्टमेंट ने उस इदारे ने उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या उस ऑटोनोमस बॉडी ने रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक काम किया कि नहीं। तो ये बड़ा अच्छा तो है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि इसमें बेसिकली ये है कि कम से कम हर इदारे का चेक होना चाहिए, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को का भी ऑडिट किया जाएगा। तो हु विल वॉच द जो कहते हैं ना कि हु विल वॉच द वॉचर्स, तो ये अच्छी एक बात है कि ये भी एक ट्रेडिशन होनी चाहिए। उसके अलावा FBR ने बेनामी सेल्स करने वाले एक पूरे नेटवर्क को पकड़ा है, और उसमें बेसिकली क्या किया है इन्होंने, FBR ने ये किया है कि बहुत सारी जो कंपनीज थी यानी कि शुगर और टेक्सटाइल मिल्स, वो बेनामी सेल्स कर रही थी, वो जो एंटिटीज थी ये टेक्सटाइल कंपनीज और शुगर ये रजिस्टर्ड तो थी, लेकिन बहुत सारी ये जो अपनी सेल्स हैं वो अपने लेबरर्स जितने भी उनके मजदूर और फैक्ट्री वर्कर्स थे और अपने ड्राइवरों के नाम पर जो है ना सेल्स करी थी, बजाय कि अपनी अपनी कंपनी के नाम पे करें। और शुगर और टेक्सटाइल के अलावा और भी होंगी, ये तो सिर्फ इसमें दो हाईलाइट की हैं कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी। तो इस वजह से ये बेनामी का तरीका है, यानी आप सेल करें लेकिन सेल शो करें कि मिस्टर ए जो आपके पास लेबरर हैं या ड्राइवर हैं उसने ये सेल किया। तो सेल्स टैक्स कानून जो है फिर इतना आसान नहीं है, सेल्स टैक्स के कानून और FBR के लिए, कि इन इंडिविजुअल लोगों को ढूंढे। अगर एक कंपनी होती है वो तो रजिस्टर्ड होती है, उसको भी जैसे हम पिछले दिनों भी बात की कि 100,000 कंपनीज हैं लेकिन सिर्फ 50,000 टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, पता नहीं उनमें से कितनी सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है। तो कंपनियों को ढूंढा नहीं जाता जो कंप्लायंस नहीं कर रही या जो काम नहीं कर रही या प्रॉपर या कोई टैक्स रिविजन कर रही है, तो इंडिविजुअल को ढूंढना और मुश्किल है। तो ये एक पूरा तरीका बना हुआ था, और स्कीम ये थी कि हाइड अर्निंग्स एंड इवेट सेल्स टैक्स ऑन द होल सप्लाई चेन। अब जब एक पर्सन मतलब जिससे खरीद रहे हैं वो भी बेनामी है, फिर वो जो चीनी बनी या कोई प्रोडक्ट बना वो भी आपने बनाया लेकिन उस शख्स के नाम से बनवाया, फिर आगे खरीदने वाला भी बेनामी है, तो पूरी जो सप्लाई चेन है, जैसे आपने कल FTR वाली वीडियो भी देखी होगी और भी, जिसमें हम कह रहे हैं कि पूरी सप्लाई चेन का मतलब है इम्पोर्ट से लेके फाइनल जो है आपके घर तक आने तक का जो सारा सिलसिला है, बीच में मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लॉजिस्टिक्स वाले हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, ये पूरी सप्लाई चेन है, ये ही रजिस्टर्ड नहीं है, और इसीलिए सब लोग बचे हुए हैं और फ्यूचर में भी इस वजह से बच सकते हैं जब तक पूरी सप्लाई चेन
डॉक्यूमेंट नहीं होगी जैसे हम एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में बात करें। तो इन्होंने बहुत जो है ना होशियारी समझते हुए बहुत सारा टैक्स बचाया होगा उस पैसे से, फिर उन्होंने बहुत सारे एसेट्स लिए होंगे और बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ओवरऑल हमारा मुल्क का और हम सब का नुकसान हुआ है। तो काइंडली टैक्स इवेजन से बचें और बेनामी सेल्स, बेनामी एसेट्स, बेनामी एक्सपेंडिचर्स ना करें, क्योंकि इलीगल है। और अगर आपने कर दिए हैं और डिक्लेयर, उनको काइंडली डिक्लेयर कर लें। मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स, और आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू।